फिल्म देखी गली बॉय, और माय गॉड दी कसम यार, तुमने जितनी भी फिल्में देखी है ना पिछले एक साल से, मतलब रेस 3 बोल दो, जीरो बोल दो, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बोल दो, मतलब जो फ्रस्ट्रेशन थी ना यार इस फिल्म से सब दूर हो जाएगी। और यार मेरे बाल बिगड़ गए यार। तो यार आज तो मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाला था, लेकिन मैंने जब देखी गली बॉय और मूवी जो पसंद आई ना माय गॉड दी कसम, और थिएटर में जो पब्लिक का रिस्पांस देखा ना मैंने, और स्पेशली थिएटर के बाहर जो रिस्पांस देखा ना यार गजब, उसके बाद तो भाई साहब बनाना ही था मुझे ये वीडियो, तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। और भाई साहब मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मुझे कैसी लगी मूवी, इट्स नॉट अ रिव्यू, मतलब ये मत सोचना कि भाई मैं प्रोफेशनल रिव्यूअर, नो नो नो, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। तो भाई साहब पहली बात तो मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा थिएटर में, थिएटर एकदम पैक, मेरी सीट पे पहले से कोई बैठा हुआ है, मुझे बंदे को बुलाना पड़ा गार्ड्स को कि भाई साहब देखो मेरी सीट पे कोई बैठा है, खाली करवाओ सीट। तो भाई साहब ने सीट खाली करवाई और फिर बैठा मैं। तो भाई साहब जो ऑडियंस थी, मतलब मोस्टली सब यंग लोग थे, काफी सारे थे, हर कैटेगरी के लोग थे, बट मोस्टली टीनेज के लोग ही थे। पर भाई साहब जो मूवी थी, मतलब मूवी की स्पेशलिटी ये है कि मूवी जो है जनरल ऑडियंस को टारगेट करके बनाई गई है। गली बॉय हमें लग रहा था कि हिप हॉप कल्चर के ऊपर है, हिप हॉप को टारगेट करके हिप हॉप वाली ऑडियंस के लिए बनाई गई है, लेकिन नहीं भाई साहब जनरल ऑडियंस के लिए है, और जो हिप हॉप वाली ऑडियंस है उनको भी पसंद आने वाली है मूवी, क्योंकि कहीं पर भी, मतलब कहीं पर भी पूरी मूवी में कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी नहीं लगता कि यार बोर कर रही है। मतलब थोड़े से जिनको पसंद नहीं है गाने हैं, थोड़े से एक आध दो गाने जिनमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ इनको अगर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया रहता तो और अच्छा रहता, बट स्टिल जो कमाल है ना यार 3 घंटे के ऊपर है मूवी, बट जो मतलब कहीं पर भी बोर नहीं हो रहा है, और जो परफॉर्मेंस दिया है मेनली परफॉर्मेंस की वजह से ही है, मतलब जो परफॉर्मेंस दिया ना चाहे वो एक्टर की ले लो, डायरेक्टर की ले लो, राइटर की ले लो, स्क्रीन प्ले ले लो, सब कमाल है। और स्पेशली रणवीर सिंह तो भाई कमाल है, हमें पता ही है कि रणवीर सिंह मतलब छप्पर फार एक्टिंग है, आलिया भट्ट ने मतलब दिमाग खराब कर दिया, मतलब इतनी गजब एक्टिंग किया ना यार दिमाग का दही हो गया, मतलब पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ बट गजब, मतलब फाड़ दिया। और उसके बाद स्पेशली जो सबसे शॉकिंग मेरे लिए था वो था जो बंदा जो रणवीर सिंह के पप्पा का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, विजय वर्मा, और भाई साहब ने जो कैरेक्टर प्ले किया ना ये वही बंदा है हाँ जो कौवा बिरयानी, हाँ, और लिटरली पब्लिक चिल्ला रही थी कौवा बिरयानी, जब वो बंदा मारता है तब कौवा बिरयानी चिल्लाती है पब्लिक, क्या तेरा। तो भाई साहब उस बंदे ने जो एक्टिंग किया है ना वही है भाई रियल डायलॉग। स्टोरी के बारे में तो मैंने बात ही नहीं किया, स्टोरी कुछ ऐसी है कि भाई साहब जो रियल लाइफ के स्ट्रगल्स हैं रणवीर सिंह के, मतलब एक बंदा है जो धारावी में रहता है, और सबसे कमाल की चीज़ मुझे ये लगी कि पूरी मूवी जो है धारावी के आसपास ही है, मतलब मुंबई की मूवी है, मुंबई के बेस्ड है, तो कहीं पर भी ये नहीं दिखाया कि भाई CST दिखा दो, मरीन ड्राइव दिखा दो, ताज दिखा दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो, समंदर दिखा दो, नहीं भाई साहब ने जैसी है वैसे की वैसी एकदम रॉ रखा है, कुछ भी फैंसी स्टफ कुछ भी नहीं है, एकदम नेचुरल रखने की कोशिश किया। तो भाई साहब ने धारावी दिखाया और मतलब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि किसी मूवी में परफेक्टली पोर्ट्रेयल किया है, और रियल लाइफ एकदम कनेक्ट होता है यार, मेन चीज़ वही है कि पूरा जो पूरा का पूरा कनेक्ट है वो फील होता है, तो उस हिसाब से मूवी चलती है, जो फ्लो है ना कमाल है। और भाई साहब वही है कि रियल लाइफ में स्ट्रगल है, बंदा जो है फ्रस्ट्रेटेड है अपनी चीज़ों से, उसको बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं, उसने बहुत चीज़ें अचीव करनी है, लेकिन उसका बाप है जो उसको रियलिटी से कनेक्ट करके रखता है हमेशा, और वहीं पर वो बंदा कहीं ना कहीं फटता है, और उसके लाइफ में ये है कि उसकी लाइफ में जो भसड़ चल रही है वो बंदा सब लिखते जाता है और लिखते जाता है लिखते जाता है। फिर एक दिन उसको MC शेर, हाँ ये बंदा उसका नाम है MC शेर, इससे मिलता है, इसके बारे में पता चलता है, तो भाई साहब फिर मतलब पहुंच जाता है हिप हॉप कम्युनिटी, वहां पे कुछ रैप बैटल टाइप का सीन चल रहा है, वहां पे बंदा बोलता है मेरा लिखो, मेरा गाना मैंने लिखा है परफॉर्म करो, तो भाई बोलता है नहीं मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तूने लिखा है तेरी स्टोरी है तू परफॉर्म कर। तो कैसे ना कैसे करके बंदा परफॉर्म करता है, और सबसे कमाल की चीज भाई साहब यहाँ पर हमें MEW बंटा देखने को मिलता है, और हर बार जब जब हिप हॉप कम्युनिटी का सीन आता है भाई साहब MEW बंटा की कुछ ना कुछ झलकियां देखने को मिल जाती हैं, तो यार वो कमाल लगा। और उसके बाद भाई साहब जो मूवी चलती है ना यार, जो ट्रैक पे आती है ना मूवी की, बंदा फिर बैटल पे बैटल कर रहा है, मतलब रैप बैटल्स पे रैप बैटल्स कर रहा है, और फिर जो लेवल पे आता है उठ के कैरेक्टर वो कमाल है। एंड में फिर एक कंपटीशन में हिस्सा लेता है और वहां पर रैप बैटल्स होती है, वहां पे मजा आता है, MEW बंटाई का रैप बैटल देखने को मिलता है, भाई मजा आ गया। और फिर यहां पर हमको जो कंपटीशन थोड़ा और आगे जाता है फाइनल स्टेजेस में, तो वहां पर डिवाइन की भी थोड़ी सी कैमियो देखने को मिलती है, तो वो भी कमाल है यार, रियल लाइफ डिवाइन हमें देखने को मिल रहा है, तो बेसिकली मूवी भी नेजी और डिवाइन के ऊपर ही है, पता नहीं उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है बट आई डोंट नो कि कहां तक है कहां तक नहीं, क्योंकि मुझे उनके बारे में जानना पड़ेगा पहले, मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, तो पहले वो जानना पड़ेगा तो पता चलेगा कि कितना रियलिटी से है कितना नहीं है, बट स्टिल मेरा बाल बिगड़ रहे हैं, बाल सही कर लेता हूँ। लेकिन भाई साहब जो मतलब मूवी यही है कि
चल रही है, बस बंदे ने जो परफॉर्म किया है और फट के बोलते हैं ना, फट के लावा बाहर आने दे, काइंड ऑफ वैसा ही सीन है। और बंदा जो फटता है ना यार, पब्लिक फट जाती है, लिटरली पब्लिक फट जाती है। और जो गाना बजता है एंड का, पब्लिक जो चिल्लाती है ना पूरे गाने में, पब्लिक जोर से चिल्लाती है। और भाई साहब पहली बार ऐसा हुआ है कि पब्लिक जो है जब एंड का, जब क्या बोलते हैं उसको, जो डायरेक्टर्स और वो सब नाम जो शोज होते हैं ना, हाँ क्रेडिट्स दिखाते हैं ना एंड में सब डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स और वो सब चीज़ें, पब्लिक बैठी हुई है स्टिल, लास्ट तक बैठी हुई है। पहली बार ऐसे किसी मूवी के साथ हुआ है मेरे साथ स्पेशली, मेरे एक्सपीरियंस में, कि पहली बार कोई मूवी चल रही है और पब्लिक एंड तक बैठी हुई है। और बाहर आने के बाद जो पब्लिक चिल्लाई ना यार, मतलब फट के बाहर आ गई, तो गजब यार। तो एक बार देख के आओ, कमाल है मूवी, कमाल है, मतलब कमाल है। और रैप बैटल्स तो यार एक नंबर, मतलब सुपर फाड़ है। एमवी बंडा है कि रियल लाइफ वाले रैप बैटल्स, मतलब उनके जो गाने हमने ऑलरेडी सुने हुए हैं वो वाले गाने आते हैं। और स्पेशली एमवी बंडा है, एमवी बंडा ही प्ले कर रहा है, तो भाई साहब रियल लाइफ कमाल है यार, तोड़ देती है मूवी। तो यार फंटास्टिक मूवी है, जाओ देखो, इंजॉय करो, मस्त है। और भाई साहब हमारी वीडियो को भी लाइक करते हुए जाना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को। अगली बार मिलेंगे अगली मूवी के साथ, ऐसे ही कोई ढंग की मूवी देखेंगे। तो बाय।